हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब का फॉर्म। किसका फॉर्म? क्यूब का। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया होगा। कोई कोई बोल रहा था कि नहीं बना है, कोई बोल रहा था आंसर बता दीजिए। आंसर क्या बताना है? चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे कि बता दें। चलो बताइए देते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ नंबरिंग कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना क्यूब था और सारा का रेसिस्टेंस दिया हुआ है R। सारा का रेसिस्टेंस दिया है R। मान लो कि इसके बीच निकालना हो, वन और टू के बीच, तो ये हुआ एक क्रॉस डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या हुआ? एक क्रॉस डायगोनल ऑफ क्यूब। तो R वन टू जो होगा वो बराबर होगा, मतलब इसके और इसके बीच निकाला हो, इसके और इसके बीच थ्री फोर मान लो, तो यह आर थ्री फोर बराबर होगा। ध्यान दो, यह इसका डायगोनल है ना, उसी टाइप से इसका यह क्या है? डायगोनल है। या अगर मान लो कि यह ऐसे इन करे, यहां से आउट हो, मान लो कि यह फोर फाइव है और सिक्स है, यह बराबर होगा आर फाइव सिक्स। कहने का मतलब है कि कोई भी पूछे आप उसको ऐसे कर लेंगे, कोई भी पूछे उसको आप ऐसे कर लेंगे, ताकि बनाने में सहूलियत हो, बनाने में सहूलियत हो। यहां से इन करेगा, यहां से आउट होगा। हम कैस्ट्रो ये पढ़ा चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। मान लो कि यह ए है और बी है, हमको पता है करना है आर ए बी, यानी कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यही पता करना है, ठीक ना। चलो नंबरिंग करेंगे। नाम दो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ये हम कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो फिजिक्स में बहुत सारा मेथड होता है जो कोई मेथड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के आधार पर इसको बना देते हैं। हम ये बताए थे या जान लो कि एक पॉइंट पर सिर्फ एक और एक ही पोटेंशियल होगा, या यूं कहो कि बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर दो या उससे अधिक पोटेंशियल हो, ठीक ना। चलो हम बता चुके हैं, या वन है या टू है, या टू है या टू है, यहां का पोटेंशियल इसके बराबर होगा और यहां का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। और हम पढ़ाए थे कि जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो पैरेलल होता है। तो मान लो कि यह ए है, मानना क्या ये है वन है, वन से टू के बीच कितना रेसिस्टेंस है? काउंट करो, वन से टू के बीच कितना रेसिस्टेंस है? थ्री। ये हो गया आपका थ्री, ये हो गया थ्री टू। अब बताओ टू और थ्री के बीच कितना रेसिस्टेंस है? टू टू थ्री, 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 सिक्स है, ठीक है। ठीक है, समझ गया मेरे ख्याल से। थ्री थ्री टू फोर कितना है? थ्री टू फोर, थ्री टू फोर, थ्री टू फोर, थ्री। इस तरह से आपका बन गया। नहीं तो आप जानते ही हैं, ये हो गया आर बाई थ्री, ये नहीं सिखाएंगे, ये हो गया आर बाई सिक्स, ये हो गया आर बाई थ्री। इसके आगे तुम खुद जानता है क्या होगा, तो आर ए बी इज इक्वल टू R by 3 सीरीज में है, R by 6, R by 3, जोड़ लो, खुद लिख लो, ओके, ठीक। तो डायगोनल के क्रॉस फिगर कैसा भी हो यही आंसर आएगा, ओके, ठीक। जैसे मान लो, मिटा दे, मिटा रहे हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, लिखते चलना, लिखते चलना। हम पढ़ा चुके हैं, कहाँ पढ़ाए? कैपेसिटर में। जो क्लियर नहीं हुआ हो उसको भी देख लेगा, वो भी रिविजन हो जाएगा, वो भी रिविजन हो जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी बताएंगे,
ग्रुप भी करेंगे, ठीक है? ओके चलें। ठीक है, गुड। जैसे मान लो यही है, क्यूब है, क्यूब में जितने साइड है सब में रेसिस्टेंस बराबर है, आर मान लिए, ठीक। टाइम बराबर नहीं करना है। जैसे मान लो कि यहां से इसको निकालना है, यानी यू कहो कि ए और बी के बीच निकालना है, सारा रेसिस्टेंस क्या है, आर है, सारा क्या है, आर है, आर है, आर है, सारा रेसिस्टेंस आर है, आर है, ठीक। तो ये पूरा रेसिस्टेंस आर है, ध्यान देना, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, पूरा रेसिस्टेंस आर है, पूरा रेसिस्टेंस आर है, तो यह आर बाई टू होगा, यह भी आर बाई टू होगा, यह भी आर बाई टू होगा, यह भी आर बाई टू होगा, ठीक है। नंबर करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, मोटामोटी समझ में आ गया। चलो वन या ये कहो वन से टू के बीच कितना रेसिस्टेंस है, वन से टू कितना है, दो है, ठीक। लेकिन संयोग से वैल्यू कम है, आर बाई टू, फिर से यहां से आर है, यहां से आर है, ये कितना हो गया, आर बाई टू हो गया, ये भी क्या आर बाई टू, वन टू टू दो रेसिस्टेंस हो गया जिसका वैल्यू आर बाई टू है, आर बाई टू है, ठीक। टू टू थ्री कितना बोलो, टू टू थ्री, चार है, तो ये टू हो गया, टू टू थ्री, कितना है, चार रेसिस्टेंस है, सब वैल्यू कितना है, आर है, कितना है, आर 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 आर, नहीं लिखेंगे गंदा हो जाएगा। फिर बताओ थ्री टू फोर, फिर चार है, थ्री टू फोर, चार, सब आ रहा है ना। फिर बताओ फोर टू फाइव, दो है, ये आर बाई टू है, ये अभी आर बाई टू है, ठीक ना, ठीक। अब कर लेना खुद से, नहीं यह आपका हो गया आर बाई टू कितना हो जाएगा, बोलो तो पैरेलल में आर बाई फोर, ये हो जाएगा आपका आर बाई फोर, बाय बाय, ये अभी हो गया आर बाई फोर, ई हो गया आर बाई फोर, ठीक। अब तुम खुद करेगा, खुद करना क्या है, आर ई ए बी इज इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे, आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर, फाइनली आर, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें रेसिस्टेंस कौन है जिससे करंट नहीं होगा, तो याद करना, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, जीरो, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, जीरो, यानी कि इसमें 12 साइड है, ध्यान दो क्यूब है, 12 साइड, 12 साइड्स, 12 साइड में दो साइड है जिसमें करंट का वैल्यू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर है, ध्यान दो, यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर है, यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर है, यानी कि यहां यहां का पोटेंशियल बराबर है, यहां यहां का पोटेंशियल बराबर है, करंट होने के लिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना अनिवार्य है, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का होना अनिवार्य है। तो चूंकि थ्री और थ्री, यहां और यहां का पोटेंशियम है, इसमें करंट क्या होगा, जीरो, इसमें जीरो होगा, समझ में आएगा। अगर कोई एग्जाम में पूछे कि इस सर्किट में किसमें करंट नहीं होगा, याद रखना इस लाइन में और इस लाइन में नहीं होगा, ठीक, आंसर लिख लो, बात खत्म, ठीक है, ओके। चलो ये भी हो गया, नहीं करा देते हैं, सर्दी हो गया, लेकिन सिर्फ सर्दी, चलो डस्ट, चलो भाई ये मान लो यह क्यूब है, क्या है, क्यूब, यह क्यूब है,
इसके अक्रॉस निकालना है रेसिस्टेंस 1 2 मान लो, तो आर 1 2 जो होगा वह बराबर होगा आर मान लो 1 2 इसको 3 मान ले, 3 आर 1 3 के किसी के साइड, यानी कि किसी भी एक साइड के अक्रॉस, किसी भी एक साइड के अक्रॉस सब का रिजल्ट एक ही आएगा। लिख लो क्वेश्चन, लिख लिए, चलो आंसर, आंसर चलो इसे मान लो कि हमको इसी के बीच निकालना है, इसी के बीच निकालना है योबी के बीच, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबरिंग गलत। बोलो क्यों? क्योंकि यहां 3 है, अगर वहां 5 करते हैं तो एक पॉइंट पर 2 पटेज हो जाएगा, जो होता होता नहीं है, या तो समझ लो और नहीं तो याद करो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करें, कुछ नंबर चेंज कर दो, 5 6 कुछ नंबर चेंज कर दिए, कुछ नंबर चेंज कर दिए। चलो अब ध्यान दो, 1 1 और 2 के बीच कितना है, 1 2 1 2 कितना है, 2। देखो 1 2 1 2 के बीच कितना है, 2। बताओ 2 2 3 2 2 3 वाह ये भी 2 ही है, 2 2 3 2 2 3 कितना है, 2 है। 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ये भी 2 है। देखो अब बच गया 2 2 5 2 2 5 2 2 5 देखो वो ये प्रैक्टिस करने से ही होगा, कोई मेथड तो है नहीं, ये हम जबरदस्ती कुछ बता रहे हैं। 5 to 6 ऐसे से 5-6 टाइप होता ही है, एक बार देख लेंगे हो गया। 6 to 3 6 to 3 देख लो, 6 to 3 6 to 3 यह अपना बी हो गया, और लास्ट में 1 to 4 1 to 4 थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खैर कोई बात नहीं, चलो छोटा करते हैं। यह हो गया 1 1 से 2 यह भी आर, यह भी आर पैरेलल में, देखो आर बाई 2 ओके। 2 to 3 वाह यह भी पैरेलल है आर बाई 2। 3 to 4 यह भी पैरेलल है आर बाई 2। 2 to 5 2 to 5 पैरेलल में है आर बाई 2। 5 to 6 आर बाई 2 ये भी आर बाई 2। 1 to 4 समझ में आ गया, अब खुद कर लो, ये और करते हैं आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2 खुद ही में हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक, एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया आर बाई 2। यह देखो आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2 3 आर बाई 2 ऊपर आर बाई 2 हो गया, ठीक हो गया, ई भी हो गया, ई भी हो गया, ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आर बाई 2 या बी एक ऊपर वाला, ठीक। चलो यही पर लेते हैं, पता नहीं कहां से कहां चला गया, चलो यह ए है ये बी है, खुद कर लो, ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, क्या हो गया पैरेलल, इस पैरेलल का तीनों क्या होगा इक्विवेलेंट सीरीज, फाइनल पैरेलल आंसर खुद कर लो ओके। इस तरह से सब समझ में आ गया, ध्यान दो अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ चलो देखो
बोलो देखो हुई स्टोन ब्रिज, ये कुछ थ्योरी का लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, वाह एकदम गेहूं पत्थर पुल। देखो गेहूं पत्थर पुल नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन। ठीक, तो व्हीट स्टोन जो थे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाए, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और जिसके बारे में वो अच्छे से बताए और बताए कि अगर चार रेसिस्टेंस हो, फिर से देना व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जो चार रेसिस्टेंस का नेटवर्क बनाए जिसमें एक अनोन था, तो उन्हीं के नाम के सम्मान में इसको रख दिया गया क्या व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बनाए व्हीट स्टोन ब्रिज, टाइम बर्बाद नहीं करना है, लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बोर्ड पूछता है प्रूफ करने के लिए, इसलिए लिख रहे हैं, लिखो। तो देखो इट इज फोर, इट इज ए, क्या लिखे हैं, इट इज फोर असिस्टर, क्या लिख रहे हैं कुछ लिखो। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में लिखो, जैसे मान लो समझो, पहले यह मान लो कि आर वन है, यह मान लो कि आर टू है, यह मान लो कि आर थ्री है। इतना आसान है कि बताने में प्रेशर पड़ना है, आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, आर फोर है, यहां पर आर है। ठीक, जान लो यहां पर आर है, इसमें लगा दो तुम गैल्वेनोमीटर, लगा दो गैल्वेनोमीटर, नाम सुना है गैल्वेनोमीटर। सही हो गया, देखो लगा दो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सुना है, आमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, घबराहट में सब एक ही होता है, सब एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। इसके बाद हम लोग वही से पढ़ेंगे, फिलहाल देख लो गैल्वेनोमीटर का मतलब हुआ जिसमें डिफ्लेक्शन हो, जिसमें मेजरमेंट हो, चाहे करंट का मेजरमेंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट हो, गैल्वेनोमीटर। ठीक, वो चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। तो लिखो इट इज ए फोर आर्म रेसिस्टर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, कितने फॉर्म होता है ब्रिज में, इन विच वन रेसिस्टर इज अननोन। वन रेसिस्टर क्या होता है, अननोन होता है, जिसमें एक क्या होता है अननोन होता है, एक क्या होता है अननोन होता है। ठीक, With the help of three known resistor, proof सिर्फ बोर्ड के लिए है, we can evaluate unknown resistor. Unknown resistor. लिखो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या प्रिंसिपल, लिखो प्रिंसिपल, यानी कि यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कि अगर इन दोनों का रेशियो बराबर हो, ध्यान दो, इन दोनों का रेशियो बराबर हो, इन दोनों का रेशियो बराबर हो, तो आर के किसी भी वैल्यू के लिए, आर के
किसी वैल्यू के लिए इसमें करंट नहीं आएगा। फिर से ध्यान दो, लिखना नहीं पहले समझो, पहले एम और एम लिखना नहीं। इफ आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, इफ आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर के किसी वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक करंट इन इट, मतलब क्या आर विल बी जीरो। बात खत्म। मोटा मोटी ठेठ में रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, इसमें करंट नहीं होगा। फिर से रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, करंट नहीं होगा। बताओ करंट कब नहीं होता है? करंट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना मस्ट है। करंट होने के लिए बोलो पोटेंशियल डिफरेंस होना मस्ट है। तो करंट तब जीरो होगा जब यहां का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, यानी कि Vm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Vm। फिर से प्रिंसिपल समझो, इसी को प्रूव करता है, खत्म। प्रिंसिपल समझो, प्रिंसिपल अगर रेशियो बराबर हो देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट जीरो। कब? इफ Vm इक्वल टू Vm। समझ में आ गया? चलो देखो कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, कंस्ट्रक्ट या लिखो प्रूफ, जो लिखना है लिखो कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन देखो, इट कंसिस्ट ऑफ, लिखा रहेगा इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर। ठीक, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर इन विच एनी वन इज अननेम अननोन। वन इज अननोन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड अक्रॉस एमएन। ठीक, लिख लो इफ इलेक्ट्रिक करेंट आई जी इज जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, देन नेटवर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क, इज सेड टू बी बैलेंस्ड। फिगर बना लो, ये सब टाइम पास थ्योरी है, सिर्फ बोर्ड पास करना है, दो बार लिख लेगा प्रैक्टिस हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए
एक नया फिगर बनाओ फिर से। ये हम क्या लिए थे R1, बोलो क्या लिए थे R2, क्या लिए थे R3, क्या लिए थे R4, क्या लिए थे R, इसमें क्या था गैल्वेनोमीटर, सही चल रहा है ठीक। इसका नाम क्या दिए थे M, क्या दिए थे M, मोटा मोटी समझ में आ गया। सपोज करो इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट आई, मान लो कि इसमें करंट I1 है और इसमें करंट क्या है I2 है, लिखना बंद, करंट क्या है I1 है, करंट क्या है I2 है, कुछ नाम दे दो A और B, ओके ठीक। इसमें I1 हो गया, इसमें क्या हो I2 हो गया, सोचो यहां पर करंट IG हो, इसमें इस ब्रांच पर करंट कितना हो IG, इस ब्रांच पर करंट कितना हो IG, तो स्वाभाविक है I1 माइनस IG इधर होगा, फिर से I1 I1 I1, इधर क्या होगा IG, क्या हो जाएगा I1 माइनस IG, किरचॉफ से चलो इधर से कितना आ रहा है बोलो IG, इधर से I2 कितना निकल जाएगा बोलो I2 प्लस IG, समझ में आ गया होगा। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अच्छा एक चीज जान लो, प्रिंसिपल कहता है कि अगर रेशियो बराबर हो तो करंट जीरो होगा, रेशियो बराबर तो करंट जीरो होगा, रेशियो बराबर तो करंट जीरो होगा, अगर हम प्रूफ कर दे कि करंट जीरो होगा तो रेशियो बराबर हो, बात बराबर है। प्रिंसिपल कह रहा है कि R1 by R2 is equal to R3 by R4 हो तो करंट क्या होगा जीरो, अगर हम प्रूफ कर दे कि अगर करंट जीरो होगा तो रेशियो बराबर होगा, बात वही है ठीक। तो इन लूप लिखो A M N A, A M N A क्या होगा तो I1 R1 इलेक्ट्रिक करंट के ट्रैक्शन पॉजिटिव प्लस आई जी आर माइनस आई टू आर टू इक्वल जीरो ठीक एट बैलेंस पोजिशन, एट बैलेंस पोजिशन आई जी क्या होगा जीरो। तो बताओ आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू जीरो, I1 R1 equals to I2 R2, I1 by I2 is equal to R2 by R1, मजा तो नहीं आ रहा होगा इसलिए थ्योरेटिकल है ना, हम लोग भी चट जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, चलो बोर्ड पास करना इसका कोई प्रूफ नहीं कमीशन में, लेकिन बहुत बड़ा हथियार है ये न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा आज प्रूफ करते हैं, अगेन देखो फिर से इन लूप एम बी एन एम, देखो बोलो एम बी एन एम, वी एम माइनस वी बी, वी बी माइनस वी एम, वी एन माइनस वी एम इक्वल टू क्या आएगा जीरो बोलो जीरो। देखो वी एम माइनस वी बी क्या बोलो करंट कंडीशन में I1 माइनस IG इनटू R3 प्लस VB माइनस VN करंट उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी उल्टा डायरेक्शन में माइनस I2 प्लस IG इनटू R4 पहुंच गया उल्टा माइनस आई जी आर इक्वल जीरो। देखो हम इसको मिटा देते हैं यहां तक, चलो एट बैलेंस पोजिशन
बैलेंस में क्या होगा बताओ, एट बैलेंस पोजिशन आई जी इक्वल टू क्या जीरो। तो देखो यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, बच क्या गया आई वन आर थ्री माइनस आई टू आर फोर इक्वल टू जीरो। ध्यान दो आई जी जीरो होगा ना, तो आई जी जीरो होगा, ध्यान दो आई जी जीरो, आई जी जीरो, आई जी जीरो, आई वन आर थ्री माइनस आई टू आर फोर इक्वल टू जीरो। सो आई वन बाई आई टू इसके साथ करती देखो आई वन आर थ्री आई टू आर फोर, देयरफॉर आई वन बाई आई टू, आई वन बाई टू आर फोर बाई आर थ्री इक्वल टू मान क्या मानेंगे हम लोग सेकेंड, थोड़ा मिटा दो सॉरी तुम लिख लो, लिख लीजिए हो गया कुछ नहीं है, से प्रूफ जानना है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आज तो तेज से पढ़े नहीं कोई बात नहीं थ्योरेटिकल है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड देखो आई वन बाई आई टू इक्वल टू कितना है आर टू बाई आर वन, आई वन बाई टू कितना है आर फोर बाई आर थ्री, इट मीन्स आर टू बाई आर वन इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री, ठीक है ना। या कह दो आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, एक प्रूफ करना था। तो प्रूफ करना था कि अगर रेशियो बराबर है तो करंट जीरो हो गया, रेशियो बराबर है तो करंट जीरो हो गया। हम प्रूफ कर दिए कि करंट जीरो है तो रेशियो बराबर होगा, ठीक है ठीक है, ओके बाय।